जिला परिषद हमीरपुर उपाध्यक्ष के निर्वाचन में दलगत राजनीति पर दोस्ती भारी पड़ गई। भाजपा और कांग्रेस के ताल्लुक रखने वाले दो जिला परिषद सदस्यों ने दोस्ती को महत्व देते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन दिया। जहां एक तरफ जंगल रोपा से कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों को मात देकर जिला परिषद हमीरपुर के हाउस में पहुंचे आजाद नरेश कुमार दर्जी उपाध्यक्ष पद पर काबिज होकर विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर में अपना राजनीतिक कद साबित किया है। वहीं भाजपा के ताल्लुक रखने वाले नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी का कहना है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की आभारी हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जो जन समस्याएं आई है उन समस्याओं का निपटारा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय धूमल जी का और श्री अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने मुझे इतने बड़े पद तक पहुँचाया है। उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को पार्टी का टिकट देकर मुझे आगे बढ़ाया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस पद तक पहुँच पाऊंगी। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। मैं चुनाव के दौरान मैं घर घर गई हूँ और मैंने वहाँ पर लोगों की समस्याओं को देखा है। मेरी यही कोशिश रहूँगी कि मैं वहाँ पर जो भी विकास के कार्य रुके हुए हैं उन्हें पूरा कर सकूँ। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने कहा कि भाजपा समर्थित जिप सदस्यों और कांग्रेस समर्थित जिप सदस्य महेंद्र सिंह और आजाद प्रत्याशी पवन कुमार के आभारी हैं, जिनके समर्थन से वह अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी आभार व्यक्त किया है। मैं उपाध्यक्ष जो चुना गया हूँ, मैं अपनी बीजेपी पार्टी का सबसे पहले अपने गुरु जी धूमल जी का धन्यवाद करता हूँ और उससे आगे मैं बलदेव शर्मा जी हमारे बड़सर से विधायक हैं और हमारे अध्यक्ष मंडल हैं, उनका मैं सबसे आभारी हूं। और अग्नोत्री जी भी ने भी पूरा सहयोग दिया है, उन्होंने भी मुझे इस लायक समझा और बढ़ाया। और साथ में जो मैं अपनी विधायक का जो है कमलेश कुमारी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस स्थान पर पहुंचाया इन लोगों ने मिल के। और जैसे हाँ, और दूसरी बात है, आज इस उपाध्यक्ष पे इस वक्त जो मैं शपथ ली है तो मैं दो अपने ज़्यादातर अपने जिला परिषद मेंबरों का महेंद्र जी और पवन कुमार को, इन्होंने जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जो है वोट दिया, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। हमारे आपके सामने हैं, आप महेंद्र जी आपके सामने हैं, ये मेरा एक दोस्त है और इसने एक व्यक्ति रूप से जो है मुझे वोट डाला और इसने हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के लिए इधर अध्यक्ष बनाने के लिए इसने हमें पूरा सहयोग दिया। आजकल वो जमाना नहीं है कि जबरदस्ती की जा सके किसी से। आपका फैसला टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो चीफ सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।